हम अकेले कर्नाटक में उनको पटखनी दे दिए, अकेले हम हिमाचल में उनको पटखनी दे दिए, उनकी सरकार को छीन लिए, और जहाँ सब विपक्ष एक होगा तो भाजपा तो जीरो पर न बोल्ड होगा। 9 साल सबसे बेकार नरेंद्र मोदी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटेलाइट लाइव, मैं हूँ आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। 12 जून को बिहार में विपक्षी एकता की बैठक होनी है, लेकिन बीजेपी विरोध कर रही है और कह रही है कि 12 जून को ही आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। बीजेपी विरोध कर रही है विपक्षी एकता को, आप कैसे देखते हैं? तो विपक्षी एकता से बीजेपी धराशाही हो रही है तो समर्थन कैसे करेगी? जब हम अकेले कर्नाटक में उनको पटखनी दे दिए, अकेले हम हिमाचल में उनको पटखनी दे दिए, उनकी सरकार को छीन लिए, और जहाँ सब विपक्ष एक होगा तो भाजपा तो जीरो पर न बोल्ड होगा, तो हमको समर्थन कैसे करेगा? भाजपा तो पनाह लेकर भाग रही है तो हमको समर्थन कैसे करेगी? लेकिन भाजपा जो किया है वो भोगना पड़ेगा। उन्होंने जनता के साथ जो वादा खिलाफी 9 सालों में किया है, 9 साल नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे बेकार नारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जनता को गिनाएंगे कि 9 साल में उन्होंने क्या दिया? एक वादा वो पूरा किए। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपने ही बोले हुए वादा को आज तक पूरा नहीं किए। किसी प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए जो कहें वो नहीं किए हों। अगर अव्वल दर्जे पर किसी का नाम आएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज होगा, तो नरेंद्र मोदी जी का होगा कि जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। वो कहे थे ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या? वो कहे थे ना अच्छे दिन देकर आएंगे, बुरे दिन मिले गए। वो कहे थे ना कि भारत की संपत्ति को नहीं बेचने देंगे, नेहरू जी ने जो कमाया सब संपत्ति बेच दिए। वो कहे थे ना कि लाल किला से बोले थे ना कि 2022 में सबको पक्का मकान देंगे, किसी को पक्का मकान मिला है क्या? सब पक्का मकान बन गया क्या? तो प्रधानमंत्री जी जितना झूठ बोलते हैं तो उससे निजात जनता ही न दिलाएगी, और उसी के आधार पे विपक्षी एकता बुलंद है, खड़ा हो रहा है। 12 तारीख को प्रणाम उसको दिखेगा। 12 तारीख जब विपक्षी एकता की मीटिंग होगी, फिर एक बड़ा स्वरूप तैयार होगा, फिर एक बड़ा परिणाम सामने निकलेगा। लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी के 9 साल कार्यकाल को बेमिसाल कह रही है। बीजेपी बेमिसाल क्या कहेगी? बीजेपी पास कहने का, कहिए ना कि प्रधानमंत्री के 9 बात आप जनता को कह दीजिए जो पहले कहे हों। 2014 के चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री बोले हों उसमें से 9 बात जनता को कह दें, तब लगेगा भाजपा को ही कहना पड़ेगा कि 9 साल सबसे बेकार नरेंद्र मोदी की सरकार। प्रधानमंत्री को बिहार में कई रैलियाँ होनी है, आप इसे कैसे देखते हैं? कर्नाटका में रैली नहीं किए थे क्या? ढाक के 3 पथ कर्नाटका में तो बहुत रैली किए थे, क्या परिणाम हुआ? हिमाचल में भी रैली किए थे, क्या परिणाम हुआ? बंगाल में भी रैली किए थे, क्या परिणाम हुआ? प्रधानमंत्री अप्रासंगिक हो गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जनता को पता है कि आते हैं खाली झूठ बोलते हैं, चले जाते हैं। बिहारों में आए थे, बड़ी बारी बात किए थे, चंपारण के चीनी मिल में उतरे थे, कहते इसी चीनी मिल अब दोबारा आऊँगा तो इसी चीनी मिल से जो चीनी बनेगा उसी चाय पियेंगे, सब चीनी मिल ख़त्म हो गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री से जनता निजात पाना चाहती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बिहार में कई ऐसे जो काम किए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, लेकिन बिहार सरकार जो एम्स के लिए ज़मीन नहीं दे रही है, एयरपोर्ट के लिए ज़मीन नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जितना झूठ बोलते हैं तो उनका जो चेला चाटी सब है बिहार उहार के लोग, वो तो उसे ज़्यादा ना बोलेगा तभी ना चलेगा। गिरिराज सिंह को देखते हैं अपने विभाग के बारे में नहीं बोलते हैं, झूठ साठ बोलते रहते हैं। अश्विन कुमार चौबे को देखते हैं अपने विभाग के बारे में नहीं बोलते हैं, झूठ साठ बोलते रहते हैं। आप ही बताइए ना, आज तक अपने विभाग के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस गिरिराज सिंह की है? अपने विभाग के बारे में कभी अश्विन कुमार चौबे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं किया? वही रघुवंश बाबू थे, एक पर एक काम किए, सड़कों का जाल बिहार में बिछा दिए, ग्रामीण सड़कों का बिछा दिए। गिरिराज सिंह के बारे में अगर आपसे भी पूछ दें कि कौन विभाग उसके पास है तो अचानक नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो गिरिराज सिंह को अपने नहीं पता है उनका विभाग कौन है। उनका विभाग तो प्रधानमंत्री चला रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा विपक्षी एकता के बाद? 2004 में कौन था? वाजपेयी जी के खिलाफ 2004 में कौन था प्रधानमंत्री के चेहरा? हटे कि नहीं वाजपेयी जी? 10 साल कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा ना, चिंता मत कीजिए, जनता सबसे बड़ा चेहरा होता है। चलिए, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 में जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। उन्होंने 2004 से भी तुलना की है, 2004 में कौन था चेहरा प्रधानमंत्री का, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार में रैलियाँ होनी हैं अभी प्रधानमंत्री की, तो रैलियां करते रहें लेकिन इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें सैटेलाइट। धन्यवाद।